हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो क्लास है दैट इज अबाउट बायोस्पा। बायोस्पा क्या है और किस तरह के हेयर्स पे की जाती है, तो मैं आज आपके लिए ये लेके आई हूँ। ये है मैट्रिक्स की बायोस्पा, जो मैट्रिक्स से निकाली है। और ये जो स्पा है ये उन हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है जिन हेयर्स पे कलर किया हुआ है, मीन्स टू से हाईलाइट की हुई है, ग्लोबल किया हुआ है या ओम्ब्रे किया हुआ है, उन पर्सन्स के लिए ये स्पा जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये स्पा करते कैसे हैं, यानी किस तरह से की जाती है और क्या क्या इसके में स्टेप्स जो हैं फॉलो करते पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली शैम्पू, नेक्स्ट है मैट्रिक्स का, ये जो शैम्पू यूज करूँगे ना ये कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू होना चाहिए। नेक्स्ट है मैट्रिक्स का सेरा वाइटल रिपेयर। नेक्स्ट है मैट्रिक्स का ही जो हमारे पास कलर प्रोटेक्टिंग स्पा होती है, जिसे हम कहते हैं बायो स्पा, ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट है ये आपका। नेक्स्ट है आपका इसमें कंडीशनर और सीरम। तो इसमें हमें इसको यूज कैसे करना है ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जब आपको इस क्लाइंट आता है ना, तो सबसे पहले आपको करनी पड़ती है वॉश। हेयर प्रोटेक्टिंग है ये, जिन हेयर्स पे ऑलरेडी कलर किया हुआ है उन पर्सन्स के लिए है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू से हेड को अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये जो वॉश है आपका कम से कम दो बार होगा। अच्छे से वॉश करने के बाद आपने यूज करना है कलर प्रोटेक्टिंग सेरा वाइटल रिपेयर। यह करेगा आपके कलर को प्रोटेक्ट करेगा और उनको जो सेरा वाइटल रिपेयर है रिपेयर करेगा आपके हेयर्स को। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो सेरा वाइटल रिपेयर होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, मीन्स टू से कि आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर आप कस्टमर पे ये यूज करते हैं तो कस्टमर को उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, अगर नहीं करते तो आप फिर स्किप भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो काफी अच्छा है, ये काफी अच्छी रिपेयर करता है। तो ये क्या है, सेरा वाइटल रिपेयर। आपने कहा छोटे छोटे से ट्यूब्स की फॉर्म में भी आ रहा है, इसको ना थोड़ा थोड़ा सा लगाना है और उसको जहां कलर है वहां वहां पे आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। बिल्कुल थोड़े थोड़े सी क्वांटिटी में लगता है, कोई ज्यादा क्वांटिटी में ये नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारे पास बायो स्पा। ये मैट्रिक्स की ही कलर प्रोटेक्टिंग बायो स्पा है। शैम्पू करने के बाद जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे जब टॉवल ड्राई करना है, आपने हेयर्स को ड्राई नहीं करना, टॉवल ड्राई, गीले बालों में ही आपने ये प्रोसेस करना है सेरा वाइटल रिपेयर का। इससे वो ताकि ब्लेंड हो जाता है। अब इसी के ऊपर उन्हीं गीले बालों में, यानी कि सेमी ड्राई कह लो, यानी कि नुचड़ने नहीं चाहिए, बाल ठीक ठीक होने चाहिए, उसमें ही आपने मैट्रिक्स का कलर प्रोटेक्टिंग बायो स्पा अप्लाई करना है सारे हेयर्स में। छोटे छोटे से सेक्शन लेके सारे हेयर्स में इस स्पा को अप्लाई कर देना है, बैक से फ्रंट तक। अब स्पा अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है 15 से 20 मिनट आप वेट कीजिए। अब क्या करना है, वेट करने के बाद आपने इसमें मसाज देनी है उनकी। आपने स्पा अप्लाई कर दी, आपने क्या देनी है, मसाज देनी है। इस प्रोसेस में आप स्टीमर का यूज नहीं करोगे। जो हमारे केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं ना, हम उस पर स्टीम नहीं देते, तो स्टीम नहीं देनी है। स्पा में स्टीम देते हैं ना, वो हेल्दी हेयर्स के लिए, वर्जन हेयर के लिए होती है, लेकिन केमिकल ट्रीटेड हेयर में स्टीम नहीं देते, बहुत ज्यादा वीक हेयर्स में स्टीम नहीं देते। तो हमने देनी है उनको अच्छे से मसाज, ठीक है ना। मसाज देने के बाद देखिए, ये स्पा अप्लाई करोगे ना, ये ट्रीटमेंट, ये रिपेयर है सेरा वाइटल रिपेयर और बायो स्पा, अपने लेंथ पे, यानी कि रूट से आधा आधा इंच छोड़ के लगानी है, ठीक है। हम जब मसाज दोगे 10 से 15 मिनट्स की मसाज दोगे, 10 से 15 मिनट का जस्ट ऐसे ही रेस्ट दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर आपने करना है शैम्पू स्टेशन पे रिंस आउट, यानी कि शैम्पू नहीं लगाना, रिंस करना है, प्रोडक्ट निकालना है। जब आपका रिंस आउट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, हेयर्स को ड्राई करना है, ठीक है ना, ड्राई करना है। आप ड्रायर की हेल्प से ड्राई कर लीजिए, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लीजिए। अब आपने मैट्रिक्स का ही सीरम अप्लाई करना है। मैट्रिक्स सीरम अप्लाई कर लिया, अब तो ये आपकी जो स्पा का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन
इसके बाद आपने होम केयर में कस्टमर को तीन चीजें बतानी हैं। क्या? कि वो जो शैम्पू यूज करेंगे वो कलर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद कंडीशनर लगाना है, उसके बाद उन्होंने सीरम लगाना है। यहाँ पे ना जब आप रिंस करोगे तो हेयर मास्क, मैट्रिक्स का हेयर मास्क भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं ना आपने कस्टमर को होम केयर में बतानी है, शैम्पू कंडीशनर अलग से आते हैं, ठीक है ना। कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू का ही यूज करना है, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू जो कि लॉक करता है केयर जो हेयर्स के जो कलर होते हैं उसे, जो आपने करवाया हुआ है उसे जल्दी से निकलने नहीं देता, इसी वजह से हम कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू का यूज करते हैं। देन कंडीशनर का यूज करना है और देन सीरम का यूज करना है। ये जो वॉश है आप 3 से 4 दिनों के बाद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप रेगुलर वॉश करते हो उस तरह से कीजिए, लेकिन इस प्रोसेस में आपको शैम्पू, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू सबसे पहले स्टेप पे यूज करना है और रिंस में आपने सिर्फ रिंस करना है, शैम्पू का यूज नहीं करना। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।